नमस्कार, MNTV में आप सभी का स्वागत है। आज देश के लगभग 500 जिलों में जेल भरो आंदोलन बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा किया गया और ये जेल भरो आंदोलन में लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर चढ़ भरकर हिस्सा लिया। आइए जानते हैं कि ये जेल भरो आंदोलन किन मुद्दों पर किया गया था। मुद्दा नंबर एक, पेपर ट्रेल के रिकाउंटिंग से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनाव आयोग द्वारा लागू करने से इनकार करना या चुनाव आयोग द्वारा मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में और चुनाव आयोग के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया गया। संविधान विरोधी 10% आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया गया। पॉइंट रोस्टर प्रणाली को खत्म करके 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू करना, यह आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र है। इसके विरोध में भी जेल भरो आंदोलन किया गया। यहां तक कि जाति आधारित गिनती करके 100% आरक्षण लागू ना करने के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया गया। धार्मिक अल्पसंख्यक लोग जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, लिंगायत के विरोध में होने वाले उन्माद के विरोध में कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट न बनाने के विरोध में भी जेल भरो आंदोलन किया गया। MBC एवं घुमंतू जनजातियों को केंद्रीय स्तर पर स्वतंत्र वर्गीकरण ना बनाकर उन्हें शासन प्रशासन में से प्रतिनिधित्व विहीन करने के विरोध में भी जेल भरो आंदोलन किया गया। आदिवासियों को उनके जल, जमीन और जंगल से बेदखल करना तथा संविधान की 5वीं-6वीं अनुसूची लागू न करने के विरोध में भी जेल भरो आंदोलन किया गया। SC/ST/OBC आरक्षण के अंदर वर्गीकरण न करने के विरोध में भी जेल भरो आंदोलन किया गया। SC/ST/OBC एवं धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को निजीकरण में आरक्षण लागू न करने के विरोध में भी जेल भरो आंदोलन किया गया। NRC कानून के तहत केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए के नाम पर 40 लाख से ज्यादा SC/ST/OBC के लोगों को अपने नागरिकता के मौलिक अधिकार से वंचित करना और प्रचार बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम से करने के षड्यंत्र के विरोध में भी जेल भरो आंदोलन किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए MNTV। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।